नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023, जिसे अध्यापक नियुक्ति नियमावली भी कहा जा रहा है, इस नियमावली में कई खामियां हैं जिन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। और सरकार से हम ये मांग भी कर रहे हैं कि इन खामियों को आप शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में दूर करें। और साथ ही इस नियमावली में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है, जिसका कि हम लोग स्वागत करते हैं और सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन जो खामियां हैं उसके लिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन खामियों को सरकार जल्द से जल्द दूर करें। जैसे कि 6 to 8 के लिए वैकेंसी नहीं दी गई है, तो सरकार 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी निकाले। सीटेट जुलाई 2023 जो वाले जो अभ्यर्थी है उनको भी अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिले बीपीएससी शिक्षक बहाली में, तो ये हम मांग कर रहे हैं सरकार से। साथ ही शिक्षकों को ग्रेड पे मिलना चाहिए, क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा बहाली हो रही है, तो शिक्षकों को ग्रेड पे भी मिलना चाहिए। इसमें और भी जो मुद्दे हैं शिक्षक बहाली से संबंधित, चाहे नियोजित शिक्षक को लेकर हो, उन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग पटना में 9 जून को सुबह 11 बजे गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास एक मीटिंग रखे हैं, जिसमें हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से, नियोजित शिक्षकों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी उस मीटिंग में आइए, ताकि हम लोग मिल बैठकर विचार विमर्श करें और आगे की रणनीति तय करें कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी है उनको कैसे दूर किया जाए। सीटेट जुलाई 2023 वाले अभ्यर्थी हमारे पास रोज फोन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज फोन आ रहा है। और अभी तक पिछले 7-8 रोज में अगर हम देखें तो अभी तक 1500 से ऊपर फोन आ चुका होगा मेरे पास। हम फोन रिसीव करते करते एक तरह से समझिए तो हम परेशान हो चुके हैं। एक फोन रिसीव करते हैं, जब तक उनसे हम बात करते हैं तब तक पता चला 10-20 लोग का फोन आ जाता है। तो लगातार सुबह से लेकर रात तक फोन आते रहता है सीटेट जुलाई 2023 अपियरिंग वाले और 6 to 8 की वैकेंसी निकालने के लिए। इन मुद्दों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार हमारे पास फोन आ रहा है। तो 9 जून को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास 6 to 8 की वैकेंसी निकालने, सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को अपियरिंग में बीपीएससी शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने देने का मौका मिले इसके लिए, और अन्य जो शिक्षक बहाली से संबंधित मुद्दे उन सभी पे विचार करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है 9 जून को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास। आप सभी से हम अपील कर रहे हैं कि आप उस मीटिंग में जरूर आइए। फिर बाद में ये मत कहिएगा कि मेरा ये मुद्दा था, मेरा ये मुद्दा था, क्योंकि सारे मुद्दों पर हम उस दिन विचार करने के लिए बुलाए हैं आप लोग को। तो एक ही दिन सभी मुद्दों पर विचार कर लिया जाए, उसके बाद सरकार से हम लोग एक सम्मिलित रूप से एक मांग रखेंगे और उन मांगों को लेकर सरकार से हम मांग रखेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो आगे की रणनीति तय करेंगे कि आंदोलन करना है, आगे क्या करना है, क्योंकि बार बार अगर नया नया मुद्दा अगर हम लोग उछालेंगे तो सरकार भी सभी मुद्दों पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि बार बार नियमावली में संशोधन होना भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए आप लोग का जो भी समस्या हो शिक्षक बहाली से लेकर, उन सभी मुद्दों पर उस दिन विचार किया जाएगा 9 जून को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास। तो आप सभी उसमें आइए। और बीएसएससी CGL 3 के मुद्दे पे भी हम जल्द ही एक मीटिंग बुलाएंगे पटना में ही, बीएसएससी CGL 3 के मुद्दे को लेकर, जो भी उससे संबंधित मुद्दे हैं, पारदर्शिता का मुद्दा है, रिजल्ट में गड़बड़ी का मुद्दा है, पेपर लीक से संबंधित मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को लेकर जल्द ही हम बीएसएससी CGL 3 के मुद्दे पर हम एक मीटिंग पटना में रखेंगे, जिसके लिए हम 2 दिन में 3 दिन में हम उसका भी डेट घोषित करेंगे, डेट बता देंगे आप लोगों को। लेकिन अभी 9 जून को शिक्षक बहाली से संबंधित मुद्दे को लेकर मीटिंग बुलाई गई है पटना गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास सुबह 11 बजे 9 जून को। और इस शिक्षक बहाली में जो समस्या है 6 to 8 की वैकेंसी को लेकर, 6 to 8 की वैकेंसी सरकार को निकालना चाहिए, क्योंकि जो सीटेट पास अभ्यर्थी है उनमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी है जो सिर्फ सीटेट में पास हुए, क्या सीटेट में अपियर ही हुए थे पेपर 2 में, सीटेट में दूसरे पेपर, सेकंड पेपर जो है उसी में अपियर हुए, क्योंकि उनको 6 to 8 के लिए शिक्षक बनना था और सेकंड पेपर में वो पास किए, और अभी 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं निकली, तो वो अभ्यर्थी तो 1 to 5 का फॉर्म नहीं भर सकते, तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए सीटेट जुलाई वाले को अगर मौका मिल जाए तो वो लोग पेपर 1 के लिए भी अपना एग्जाम देंगे, पेपर 1 पास करेंगे तो शिक्षक बनेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास फोन करते हैं कि अपियरिंग में अगर किसी को मौका मिल रहा है, चाहे बीएड डीएलएड या फिर सीटेट वाले को भी, अगर जुलाई वाले को अपियरिंग में मौका मिल जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डर लग रहा है कि अगर ये लोग पास नहीं कर पाए, डीएलएड या बीएड या सीटेट पास नहीं कर पाए, और इधर बीपीएससी की जो परीक्षा होगी उसमें वो पास कर जाए, मेरिट में उनका नाम आ जाए, तो सीट खाली रह जाएगा। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1,70,000 पे जो वैकेंसी निकली है, तो इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा बीपीएससी से जो परीक्षा होगी, और परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उस मेरिट लिस्ट में वही लोग शामिल होंगे जो बीएड पास रहेंगे, या जिनके लिए डीएलएड आवश्यक है डीएलएड पास होंगे, या कोई जो
शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जैसे एसटीईटी हो या सीटेट हो, तो जो लोग पास रहेंगे, पात्रता परीक्षा पास रहेंगे, ये बीएड डीएलएड जो भी अनिवार्य है वो पास रहेंगे, उन्हीं लोग का मेरिट लिस्ट में नाम शामिल होगा। रिजल्ट से पहले, मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले जो लोग भी अपियरिंग में फॉर्म भरे रहेंगे ना, उनका डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन, उनको अपना सर्टिफिकेट पात्रता परीक्षा से संबंधित हो या बीएड डीएलएड से संबंधित हो, वो जमा करना पड़ेगा। और जो लोग जमा नहीं करेंगे उनका अभ्यर्थित्व तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीएड फेल कर जाएंगे, डीएलएड फेल कर जाएंगे जो अपियरिंग में भरे हैं, या सीटेट जो अपियरिंग में भरेंगे वो अगर सीटेट पास नहीं कर पाएंगे तो मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले ही उनसे मांगा जाएगा बीपीएससी के द्वारा। तो ये डर अपने मन से निकाल दीजिए कि सीट खाली रह जाएगा। सीट तो वैसे ही खाली रह जाएगा, क्योंकि जिन सब्जेक्ट में अभ्यर्थी पास है उनमें सीट कम है, सीट कम है, बहुत सारे ऐसे है उनमें सीट कम है, जिसमें अभ्यर्थी ज्यादा है उनमें आपने वैकेंसी ही नहीं निकाला है। जैसे 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए आपने वैकेंसी नहीं निकाला, आर्ट्स पेपर का आप एसटीईटी ही हुआ ही नहीं है, तो फिर आर्ट्स पेपर में जब एसटीईटी ही नहीं हुआ है इधर हाल फिलहाल, तो फिर वो तो सीट वैसे ही खाली रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों से संबंधित, नियोजित शिक्षक से संबंधित जो भी समस्या है उन पर आप विचार विमर्श कीजिए और बीच का रास्ता निकालिए। बीएड और डीएलएड वाले के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई, 18 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया गांधी मैदान में कि अपियरिंग में उन लोगों को मौका मिले। सरकार ने ये बात मान ली, उनको सरकार को हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए। साथ ही अभी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सीटेट जुलाई वाले को भी और मौका दीजिए अपियरिंग में फॉर्म भरने के लिए, और 6 to 8 की भी वैकेंसी निकालिए, क्योंकि हमारे पास इन दो मुद्दों को लेकर हजारों अभ्यर्थियों का फोन आ चुका है, तो हम उनकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते एक छात्र नेता होने के नाते, क्योंकि आप ही लोग हमें छात्र नेता मानते हैं। तो छात्र नेता होने के नाते हमारा ये परम कर्तव्य है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि छात्रों की अगर कोई समस्या हो तो उस समस्या को का समाधान हो, इसके लिए हम सरकार के सामने बातों को रखें, उन समस्याओं को सरकार के सामने रखें, सरकार को अवगत कराएं और उन समस्या के समाधान के लिए हम प्रयास करें। तो हम वही कर रहे हैं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा परम कर्तव्य है, तो हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। तो इसलिए 9 जून को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास जितने भी आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी आप सभी आइए, और उस दिन हम लोग विचार विमर्श करेंगे। उसके उसी मीटिंग में आगे की रूपरेखा तैयार होगी, रणनीति तैयार होगी कि आगे हम लोग को क्या करना है, और जो भी समस्या हो सभी पे हम लोग बातचीत करेंगे। सीटेट जुलाई वाले जो अभ्यर्थी है हमारे पास रोज फोन कर रहे हैं, तो हम उनके मुद्दे को कैसे नजरअंदाज कर दे, तो इसलिए आपस में मत लड़ना है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको आपस में नहीं लड़ना है, अपने हक अधिकार के लिए आप लोग लड़िए, लेकिन आपस में मत लड़िए। तो 9 जून को सुबह 11 बजे पटना गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है जिनकी जो समस्या है आप लोग आइए। धन्यवाद। जय हिंद।